सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वाले ब्लॉग में आप देखोगे मैं वडोदरा से गया था दिल्ली, वो भी फ्लाइट में, और वो भी मेरी पहली फ्लाइट थी। तो मुझे तो बहुत ही मजा आ गया फर्स्ट फ्लाइट में। थोड़ा सा नर्वस भी था, प्रोसेस मेरे को सारी पता थी कि कैसे फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन गया कभी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम ही गया था, तो बहुत ही मजा आ गया मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आई एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मुझे तो बहुत मजा आ गया। सो गाइज, आप भी पूरा ब्लॉग देखिए एंड आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम में मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग। तो ये देखो गाइस, कैब आ चुकी है, कैब में जाते हैं। गाइज फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया है टैक्सी से एंड फटाफट से एंट्री ले लेते हैं। एंट्री तो अभी हमें सबसे पहले बोर्डिंग पास निकलवाना है, तो बोर्डिंग पास निकलवाने के लिए हम जाएंगे, तो सबसे पहले जाएंगे हम इंडिगो के काउंटर पर। सो देखिए गाइस, दिस इज द एयरपोर्ट इनसाइड यहाँ का, और यहाँ से हम सबसे पहले निकल लेंगे हमारा बोर्डिंग पास। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास निकाल रहा हूँ। मैंने वेब चेक इन तो कर ही लिया था घर से, एक्सेप्ट यस ओनली वन हैंड बैग कैन फिट अंडर द सीट इज अलाउड। ऑलराइट, प्रिंट बोर्डिंग पास। तो ये देखिए बोर्डिंग पास आ चुका है, तो बोर्डिंग पास अपना निकाल दिया। अब हम जाते हैं सीधा लगेज जमा कराने के लिए। तो हमारा इंडिगो है तो इंडिगो की तरफ जाना पड़ेगा, तो जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हमने बैग जमा करवा दिया है एंड दिस इज बैग का टैग, तो ये टैग संभाल के रखना है। एंड ये है हमारा बोर्डिंग पास, गेट नंबर 2 एंड बोर्डिंग जोन 3 में जाना है। तो देखो यात्री बैगेज ट्रॉली यहाँ से आगे ले जाना मना है। तो यहाँ पे जो भी मेटल की चीज़ होगी वो सारे ट्रे में रख के जानी है, सारे रख दिए मैंने। तो गाइज यहाँ पे मेरे बैगेज वगैरह सिक्योरिटी चेक हो चुकी है, अभी हम जाएंगे सीधा गेट नंबर 2 पे एंड गेट नंबर 1-2 के लिए नीचे जाना है। तो हम नीचे जाएंगे यहाँ से, यहाँ से जाना है गेट। तो देखिए गाइज, तो गेट नंबर 2 पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो गेट नंबर 2 पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ से हमें जाना है जब गेट खुलेगा तब, तो टिल द टाइम यहाँ पे ही वेट करना पड़ेगा। सो गाइज ये है गेट नंबर 1 एंड सामने है गेट नंबर 2, तो हमारा है गेट 2। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं एंड बाहर देखो फ्लाइट जा रही है। तो यहाँ से हमारा टाइम अभी 1 घंटा और बैठना है, उसके बाद हमारा खुलेगा गेट, तो गेट से फिर वहाँ से जाना है। तो यहाँ पे आप कुछ स्नैक्स वगैरह खाना वगैरह यहाँ से ले सकते हो। तो गाइज अभी आप देख सकते हो अभी बजे हैं 6:40 एंड हमारा बोर्डिंग टाइम है 7:40, तो हमारे पास अभी 1 घंटा पड़ा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक, बैगेज जो जमा करना है वो सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं बोर्डिंग गेट खुलने का, तो उसके लिए 1 घंटे का टाइम है। तो तब तक के लिए आप आराम से कहीं पे भी घूम सकते हो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ऊपर, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो यहाँ से आप कुछ खा पी सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो नीचे है, अभी 1 घंटे का टाइम है, तो ऐसे ही आप कहीं पे भी टहल सकते हो। तो देखो यहाँ पे शॉपिंग के लिए स्टॉल है, तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे छोटे छोटे खाने पीने के भी स्टॉल है, खाना पीने का भी मिल जाएगा एंड शॉपिंग का भी मिल जाएगा। तो ये देखो गाइज, ये है प्रीमियम लाउंज। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें लाउंज का एक्सेस है, तो वहाँ पे 1 रुपीज स्वाइप करा के लाउंज एक्सेस कर सकते हो। एंड ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का है, यहाँ पे ऐसे अनाउंस होता रहता है। तो हम यहाँ से कुछ खाने का ले लेते हैं। तो देखो दिस इज बर्गर एंड ऑल। सो अभी जस्ट मैंने लिया वेज बर्गर एंड वाटर बॉटल। तो बर्गर जो है वो 160 रुपीज़ का है, जो छोटी बॉटल है दैट इज़ फॉर 60 रुपीज़ गाइस। सो यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत ही कॉस्टली है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ नीचे गेट नंबर 2 की तरफ, क्योंकि मेरा है गेट नंबर 2। मैं ऊपर गया था ऐसे ही देखने के लिए और वहाँ से बर्गर वगैरह लेके आया, तो नीचे जाकर बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे गेट नंबर 2 और वहाँ जाते हैं। सो दिस इज द गेट नंबर 3 और ये है 2, तो 2 में जाके बैठ के हम खाते हैं। तो ये देखो गाइस, एयर इंडिया की फ्लाइट। तो
तो देखो गाइस अभी हमारा बोर्डिंग खुलने वाला है, तो यहाँ पे स्टाफ आ चुके हैं इंडिगो वाले, टाइम हो चुका है बोर्डिंग का। तो ये देखो गाइस सारे लाइन पे लग चुके हैं, हमारा बोर्ड खुलने वाला है और ये देखो सारे लाइन पे आ गए। तो गाइस अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे जाते हैं। तो गाइस हो चुका है बोर्डिंग में एंट्री, अभी जाएंगे बस में। तो ये देखो ये बस तो फुल हो चुकी है, तो आई थिंक दूसरे वाले बस में जाना पड़ेगा। बैठ गया हूँ बस के अंदर, तो ये आ गए बस में एंड बस हमें लेके जाएगी फ्लाइट तक। तो गाइस हमारी बस निकल पड़ी है एयरक्राफ्ट के पास में जाने के लिए। तो गाइस दिस इज द फ्लाइट इंडिगो। सही बताओ गाइस तो फर्स्ट टाइम है मैं इतने पास से फ्लाइट को देख रहा हूँ। पहुंच गया हूँ मैं फ्लाइट के पास, दिस इज इंडिगो फ्लाइट, तो इसके अंदर हम बैठते हैं। फ्लाइट फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ये देखो गाइस बस, ऐसे बस आती है एंड दिस इज द फ्लाइट इंडिगो। ये देखो गाइस फाइनली फ्लाइट के पास मैं आ चुका हूँ, मैं फ्लाइट के अंदर जा रहा हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है फ्लाइट में बैठने के लिए। बहुत ही लंबी फ्लाइट है गाइस एंड ये देखो पायलट बैठे हुए हैं, मेरा सीट नंबर है 12A। ये देखो छोटी छोटी खिड़कियाँ बाहर से बहुत ही छोटी दिखती है। देखो एंड फाइनली एंटर कर रहे हैं फ्लाइट। देखो गाइस स्पेशल कार आई है सिर्फ और सिर्फ पायलट के लिए। तो ये तो बस फुल हो चुकी है, तो इसको जाने देते हैं। तो गाइस अभी बस से उतर गए हैं एंड जा रहे हैं अभी लगेज के लिए, बैगेज एंड एग्जिट। तो बैगेज एंड एग्जिट के लिए यहाँ जाना है, तो अभी यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ दूर से आने वाला है, तो सीधा उधर ही चला जाता हूँ, दूर तक तो दिख नहीं रहा। एंड यहाँ पे ट्रॉली भी रखी हुई है, आप यहाँ से ट्रॉली ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस दिख गई है फाइनली अपने बैग आ रही है, तो ले लेते हैं अपने। दिस इज अवर बैग, आ जाओ बेटा।
तो देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है सोलंकी मिथुन, तो अपने बैग आ गई है, तो बैग लेके निकलते हैं। एंड यहाँ पे बेल्ट में अगर आप बैग नहीं लेते हो तो ऐसे ये गोल गोल घूमती रहेगी, वापस जाके वापस आएगी जब तक आप नहीं लोगे तब तक। तो बैग हमारी मिल चुकी है, हम पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे, अभी जाते हैं होटल फटाफट से। बहुत ही मज़ा आया, फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, बहुत ही एक्साइटिंग रही एंड बहुत ही मज़ा आ गया मुझे फर्स्ट फ्लाइट में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो यहाँ पे सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ट्रांसफर तो यहाँ से आप जा सकते हो, कार रेंटल के लिए यहाँ से जा सकते हो, दिस इज एग्जिट, एग्जिट से यहाँ से जाना है तो मैं एग्जिट कर लूँगा यहाँ से। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी है कैब्स के लिए, तो हम सीधा जाते हैं एग्जिट पे। एंड दिस इज सिटी बसेस, मेट्रो पिकअप शटल बस लेफ्ट लगेज टॉयलेट्स, वॉशरूम होके आते हैं सबसे पहले। सो गाइस फाइनली मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैब्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पे स्टॉल भी है एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे देखो ओला पिकअप जोन, उबर पिकअप जोन, तो ये भी है, तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो हम चले जाते हैं ओला वाले में। तो ये देखो गाइस बहुत सारी टैक्सियाँ हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बुकिंग डाल देता हूँ ओला की। सो फाइनली कैब में बैठ गया हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ होटल। कैब वाले ने तो छोड़ दिया है यहाँ पे, एक्चुअली होटल पीछे रहेगी थोड़ी सी, उसको पता नहीं चला था, वहाँ से थोड़ी आगे ले ली गाड़ी और यहाँ से चल के जाना पड़ेगा थोड़ा सा 200-500 मीटर, तो चल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइस पहुंच गया होटल पे फाइनली एंड बहुत ही मजा आया, ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा फ्लाइट में, बहुत ही मजा आता है फ्लाइट में और कम टाइम में पहुंच जाते हो डेस्टिनेशन पे, तो इंडिगो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और मैंने कॉर्पोरेट वाली बुकिंग कराई थी जिसके अंदर मुझे मील भी मिला था, तो मील की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी एंड बहुत ही मजा आया फ्लाइट में। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।